खुश नसीब होते हैं वो लोग जो पूरे दिन ठुस ठुस के खाने के बावजूद भी मोटे नहीं होते हैं। कृपया अपनी चुराबों को धोके पहने कई सफलता आपके कदम चुमने आए उससे पहले ही कहीं सुनके न मर जाए। पति की कब्र के पास पत्नी चंपा रोते हुए बोली, बेटा आईफोन मांग रहा है, क्या करूं? बेटी कंप्यूटर मांग रही है, कहां से लाऊं? खुद मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े तक नहीं है, क्या करूं? कब्र से घुटी घुटी आवाज आई, ओए पागल, मर गया हो, दुबई नहीं गया? छोटू बोला, अरे आज रिजल्ट लेने स्कूल जाना है और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। मोटू, आज मुझे बुखार है, मैं नहीं आ सकता, तो तुम मेरे मार्क्स देख लेना। छोटू, ठीक है, मैं देख लूंगा और तुझे बता दूंगा। मोटू, लेकिन आज पापा भी घर पे है, इसलिए तू डायरेक्ट मत बताना, अगर मैं एक में फेल हुआ तो मेरे घर आके बोलना। एक पड़ोसी को प्रणाम, अगर दो में फेल हुआ तो कहना दो पड़ोसियों को प्रणाम, इस तरह मैं समझ जाऊंगा। छोटू, ठीक है, कोई बात नहीं। एक घंटे बाद छोटू बाहर से चिल्लाया, पूरी की पूरी कॉलोनी को ही प्रणाम। पत्नी पति को मार रही थी, पड़ोसी, क्यों मार रही हो? पत्नी, इनको कॉल किया तो एक लड़की बोली, आप जिससे संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। एक बार शहर के एक बड़े पागलखाने में एक महिला पत्रकार ने वहाँ के डॉक्टर से प्रश्न पूछा, सर आप कैसे पहचानते हैं कि कौन मानसिक रोगी है और कौन नहीं? डॉक्टर बोला, बहुत आसान है, सबसे पहले हम एक वॉशिंग मशीन को पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देके उनसे कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीन के अंदर के पानी को पूरी तरह से खाली करके बताए। महिला पत्रकार, अरे वाह, बहुत सही, यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो बाल्टी का उपयोग करता होगा क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। डॉक्टर बोला, जी नहीं मैडम, नॉर्मल व्यक्ति वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को घुमा के मशीन को खाली करता है, तो आप 23 नंबर के बेड पे चाहिए ताकि हम आपकी पूरी जांच कर सके। अगर आपने भी पढ़ते वक्त बाल्टी ही सोचा था तो कृपया बेड नंबर 24 पे जाए और अपने बाकी दोस्तों को भी जरूर शेयर करें क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल में बहुत से बेड खाली ही है। बस के गेट पे लटके हुए मुसाफिरों से कंडक्टर ने कहा, भाइयों अंदर हो जाओ, इस तरह गेट पे लटकना आपकी जान के लिए खतरनाक है। लेकिन जब कोई भी अंदर न हुआ तो कंडक्टर गुस्से में बोला, तुम्हें तुम्हारी पत्नी की कसम है, अंदर हो जाओ। इतना सुनते ही जो मुसाफिर सीटों पर बैठे थे ना, वो भी गेट पे आके लटक गए। एक सच बात, किसी की भी सरकार आए, आलू प्याज और टमाटर चाय कितने भी महंगे हो जाए, लेकिन आज भी गुरुद्वारों में खाना सबके लिए फ्री ही है।